भारत 24 की खबर का बड़ा असर, लाखों लीटर पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड। मोबाइल के लिए पानी बहाने वाले फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड, मोबाइल के लिए खाली कराया गया था डैम का पानी। छत्तीसगढ़ में भारत 24 की खबर का बड़ा असर। देखिए, फूड इंस्पेक्टर ने अपना लाख रुपए का मोबाइल ढूंढने के लिए कई लीटर पानी बर्बाद कर दिया। फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। भारत 24 पर चली खबर के बाद में आखिरकार लिया गया एक्शन, मोबाइल तलाशने के लिए कई लीटर पानी बर्बाद कर दिया जो कि किसानों की सिंचाई के लिए काम आ सकता था। लेकिन यहां पर इन फूड इंस्पेक्टर साहब ने अपने फोन ढूंढवाने के लिए यहां देखिए कई लीटर पानी बर्बाद कर दिया। और ये देखिए दो तस्वीरें, यही हैं वो महाशय हमारे साथ में, कन्हैया मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कन्हैया, भारत 24 की खबर का असर हुआ, कीमती फोन को ढूंढवाने वाले ये फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। लगातार ये जनता में कोशिश करती है कि पानी बचाओ क्योंकि जल ही जीवन है जी। लगातार करोड़ों रुपया लोगों को जागरूक करने के लिए खर्च किया जाता है, वहीं पर एक सरकारी अधिकारी अपना फोन ढूंढवाने के लिए एक जलाशय से 21 लाख लीटर, मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 21 लाख लीटर बहुत बड़ा जो एक जल का स्रोत था उसको पूरी तरीके से उसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इलाका है पखांजूर, जो इलाका है वो पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो पानी के लिए लगातार जूझती रहती है। वहां के लोग एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं और वहां पर बारिश भी कम होती है। इसके साथ साथ देखा जाए कि वहां के जो मवेशी हैं, चाहे वहां पे जो सिंचाई विभाग का जो काम होता है, जो सिंचाई होते हैं खेतों की, वहां पर भी वही स्रोत था। अगर देखा जाए जो परलकोट जलाशय है जहां पर ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने 21 लाख लीटर पानी को बहा दिया और बर्बाद कर दिया है, उसी जलाशय से वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, उसी जलाशय से जो लोग हैं उनको पीने का पानी उपलब्ध होता था। लेकिन अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जब ये खबर भारत 24 ने प्रमुखता से दिखाई और इस पर सवाल पूछा तो वहां के कलेक्टर ने इसमें आनन फानन में जो अधिकारी हैं राजेश विश्वास, उनको जो फूड इंस्पेक्टर है पाखंजूर के, उनको सस्पेंड कर दिया है तत्काल रूप से। लेकिन पानी इतनी बड़ी पैमाने पर बर्बाद करने के जो वाकया सामने आया है, निश्चित रूप से ये एक चौंकाने वाला वाकया है। ठीक है कन्हैया, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सोचिए किस तरीके की हरकत एक अधिकारी कर रहे हैं।